हमें आए तो देख ले रचावे, हमें आए तो देख ले रचावे। हेलो एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल प्रिया ब्लॉग्स हिमाचली में। मैं हूँ हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट मंडी से, और आज ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है दिन के 11 बजे से। तो आज के मौसम की बात की जाए तो मौसम बहुत सुहाना है, हर जगह पर अच्छी सी धूप आई हुई है, मतलब तेज वाली धूप लगी हुई है। तो अभी ब्लॉग की स्टार्टिंग भी हो चुकी है। तो गाइज, बाहर ना अभी काफी तेज धूप हो गई है और मैं आ गई हूँ किचन में। तो ब्रेकफास्ट वगैरह तो सबने कर लिया है और इसके बाद अभी मैं लंच बनाऊंगी, और लंच बनाने से पहले ना मैं किचन की थोड़ी बहुत सी साफ सफाई करने वाली हूँ। तो गाइज, सबसे पहले मैं सारे बेडकू तिरपाल वगैरह किचन से बाहर निकाल रही हूँ ताकि मैं रसोई में अच्छे से झाड़ू वगैरह लगा सकूं। तो गाइज, अभी मैंने यहाँ पर सामने वाली खिड़की भी खोल दी है और पूरा किचन भी खाली कर दिया है। इसमें जो भी तिरपाल वगैरह बिछाए हुए थे वो सब मैंने बाहर रख दिए हैं, और अब मैं लगाऊंगी पूरे किचन में झाड़ू। तो गाइज, अभी मैं किचन में ना झाड़ू लगा रही हूँ, और मुझे आज सिर्फ झाड़ू लगाना है, पोछा आज नहीं लगा सकते क्योंकि आज है वीरवार। जो ऐसे वार होते हैं ना, जैसे वीरवार, मंगलवार या शनिवार वगैरह, इस दिन हमारे यहाँ पर पोछा नहीं लगाया जाता है। ये सब चीजें शहरों में तो नहीं मानते हैं, पर हमारे यहाँ पर गांव में अभी भी मानते हैं, तो हम लोगों को भी माननी पड़ती है। तो इसलिए मैं अभी सिर्फ झाड़ू लगाऊंगी, पोछा नहीं लगाऊंगी। तो ये सारी चीजें भी ना मुझे आप लोगों को बतानी पड़ती है, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से ना मैं सब कुछ आपको रियल दिखाती हूँ। यहाँ का क्या रीति रिवाज है, यहाँ का क्या कल्चर है, यही मैं इस चैनल के माध्यम से आपको दिखाती हूँ और आगे भी दिखाती रहूंगी। तो व्लॉग में एंड तक बने रहे। तो गाइज, अभी ना किचन की साफ सफाई भी हो गई है, और आप लोगों को एक बात बतानी तो भूल ही गई, आज हमारे घर पर ना कोई आने वाला है, और कौन आने वाला है वो तो आपको वीडियो में आगे आगे पता चल ही जाएगा। तो गाइज, आज मेरे घर में आए हैं मेरे पापा जी। तो इनको तो आपने पहले वाले व्लॉग में देख रखा होगा, जो शादी से पहले के व्लॉग है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है जी। और इनको यहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, तो कितनी गर्मी है? बहुत ज्यादा है बेटी, बहुत ज्यादा गर्मी है, बहुत है। तो मैं कैसे करती सहन अब? कैसे करते हैं आप? और गाइज, ये है मेरे पिताजी, यानी कि मेरे ससुर जी, और ये गए थे सुन्नी पापा को लेने के लिए। आपको तो नहीं लगती गर्मी, आपको तो अभ्यास है ना? अभी तो अभ्यास है। तो गाइज, ये बनाया है हमने जूस, और ये है ऑरेंज जूस। तो सबको मैंने जूस दे दिया है, और अब मैं भी जूस पीऊंगी। तो अभी कर रही हूँ मैं लंच, और लंच में खा रही हूँ मैं ये रोटकू और अचार और थोड़े से पकौड़े। तो वैसे तो दाल चावल भी बने हैं, पर मेरा मन नहीं है अभी दाल खाने का। और ये रोटकू मेरे मायके साइड से आए हैं, पापा आए हैं। तो जैसे जब अपनी बेटी के यहाँ जाते हैं ना, तो इस तरह से बांटा वगैरह ले जाते हैं हमारे यहाँ पर। तो बस इसलिए मैं रोटकू खा रही हूँ, और ये पकौड़े भी मम्मी ने भेजे हैं। गाइस, सामने पे देखिए, दो दो सूर्य दिखाई दे रहे हैं, एक पेड़ के बीच से जो रियल दिखाई दे रहा है, और एक नीचे दरिया में दिखाई दे रहा है। इसकी परछाई सूरज की, सूरज की परछाई दिखाई दे रही है, पर ऐसा लग रहा है कि भाई दो दो सूर्य है। और यहाँ पे पिताजी बैठे हैं। और जिया जी भी यहाँ पर ड्यूटी से अभी वापिस आ गए हैं। राधे जी, राधे राधे एवरीवन। तो इस टाइम यहाँ पर ना थोड़ी हवा चल पड़ी है, और मौसम थोड़ा अच्छा हो गया है, गर्मी थोड़ी कम हो गई है, सारे दिन बहुत ज्यादा गर्मी थी। और सामने देखिए, यहाँ पर ना आग लगी हुई है, जिस वजह से और ज्यादा गर्मी हो रही है, और ये बिल्कुल सामने ही लगी है यहाँ पर। पिताजी ने क्यों दी दौड़? और प्रिया कैसे हैं? पूछे हाल चाल बाबा मेरे पार वीडियो में। तो गाइज, इस टाइम पापा मेरे हाल चाल पूछ रहे हैं, जबकि पापा दिन को आ गए थे। तो मैं बहुत बढ़िया हूँ, बिल्कुल स्वस्थ हूँ, और बहुत खुश हूँ। खुश रहनी चाहिए बेटी प्रिया, खुश रहो, खुश रहो, और क्या कह सकते हैं।
अभी हम दोनों ना यहाँ पर बर्तन धो रहे हैं। दिन वाले जो भी बर्तन होते हैं ना वो इसी टाइम पे धोते हैं हम, क्योंकि इस टाइम धूप भी थोड़ी सी हल्की हो जाती है। तो जिया जी अभी थोड़ी देर पहले ही ड्यूटी से वापस आए हैं, और ड्यूटी से आने के बाद भी ना ये मेरी हर काम में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, चाहे वो फिर बर्तन धोने के काम हो या डिनर बनाने का। तो मेरे को बिल्कुल भी ना अकेले नहीं रहने देते हैं जब घर पहुँच जाते हैं, और इसी तरह से हमारे साथ साथ काम करते हुए ना जल्दी जल्दी सारे काम निपट जाते हैं। और दूसरी तरफ यहाँ पर लगा हुआ है दरवाज़ा ठीक करने का काम। तेज़ हवा के कारण ना यहाँ पर बाथरूम वाला दरवाज़ा टूट गया था, और उसी को अभी ना ठीक करवा रही है। तो गाइज अभी शाम का टाइम है और अभी हम घूमने के लिए आए हैं, घर के पास ही है, और यहाँ पर हमारे सड़क आ गई है। और यहाँ पर देखिए ये बड़ा सा इधर पेड़ है, पिपल का पेड़ है, पर इसमें अभी पत्ते नहीं है। और यहाँ पर देखिए ये बांस के पेड़ बोलते, पौधे बोलते, जो भी बोलते हैं, पर बड़े सुंदर लग रहे हैं। बूटा, बांस का बूटा, बांस का बूटा पर पराग। हाँ जी, तुम है पिताजी? और गाइज ये पहुंचे हमारी, अकेले अकेले गए ना आप, हम आपको माफ नहीं करेंगे, नहीं सुनूंगी मैं। नमस्ते। छुबलू को ले आओ मेरी, छुबलू को ले आओ मेरी, छुबलू। चली मेरी सुरी है, हाय पासा ते नहीं लगो मेरा जी, तां गाठी बोलियो अबले तां साथ नहीं आवे। हां भूली जाऊं भूख ना चिशिया दोदी तेरी केड़ खा जाऊं, ए हवे आए पास देखले बचावे, ए चेहरा गले रे कामले बबनी प्यारी है तेरे देश रा बाय बाय। और गाइस पापा देखिए ऊपर गए हैं टॉप में। बोलो बिना पापा आ जाओ। तो अभी हम सब लोग बाहर लेंटर पे बैठे हैं, और यहाँ पर मस्त अभी अच्छी सी ठंडी ठंडी हवा भी चली हुई है, और सामने का व्यू कुछ ऐसा है, और इस तरफ को आग लगी हुई है, और बहुत भयंकर आग लगी है, और इसी वजह से ना दिन भर में बहुत ज़्यादा यहाँ पर गर्मी भी रहती है, पर इस टाइम उतनी गर्मी नहीं है।